Good morning, class. I am teaching a different subject today, which is geography. When Frankadi and I discussed about SST, we saw that geography and science has many similarities. So we decided that I will also teach geography. Okay. So starting with geography chapter 2 of grade 7th. Okay. The chapter name is the sun, the moon and the earth. Now, as the name suggests, in this chapter we are going to learn about these three things. इन तीन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो हियर इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे. विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ मून. ओके, हम लोग समझ पाएंगे और ढूंढ पाएंगे कि मून के कौन कौन से फेजेस होते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेजेस? फेजेस मीन्स द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून. सो इफ़ यू लुक इन द नाइट स्काई, अगर आप हर रात मून को देखोगे तो यू विल सी देयर इज चेंजेस शेप. उसका शेप बदलता है ना हर रात को. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून. सो टुडे यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट द फेजेस ऑफ द मून एंड विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट फेजेस. ओके, बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिकॉल अ फ्यू थिंग्स वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. ठीक है, प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिविजन कर लेते हैं. सो हियर यू हैव टू टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मून. ओके, इन सारे स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है आपको सेलेक्ट करना है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड टेक 2 मिनट्स टू पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, कमिंग बैक, योर ट्रू स्टेटमेंट्स आर ए, डी, एफ एंड जी. ओके, नाउ ए स्टेट्स दैट द मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ. ओके, इसका मतलब अपना जो चांद है वो खुद ब खुद बना हुआ है. ठीक है, किसी इंसान ने उसको नहीं बनाया. सो इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल सेटेलाइट, इट इज़ अ नेचुरल सेटेलाइट. ओके, स्टेटमेंट डी सेज दैट द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन. उसका मतलब चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है. ओके, वो सूरज से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना. द स्टेटमेंट एफ रीड्स दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ. सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. एंड द लास्ट स्टेटमेंट जी रीड्स दैट द मून रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. सो एज यू कैन सी अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट एक्सिस. अर्थ अपने अराउंड घूम रहा है, राइट. सो सिमिलरली द मून ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. मून भी अपनी जगह पे घूमता रहता है. सो दीज आर ए फ्यू थिंग्स यू ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट द मून. नाउ लेट्स लर्न समथिंग न्यू. ओके, सो योर क्वेश्चन इज वॉट इज ऑर्बिट ऑफ द मून. ओके, मून का ऑर्बिट क्या होता है? ओके, द डेफिनेशन इज द पाथ व्हिच द मून फॉलोज व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ मून. मतलब क्या कि धरती के चक्कर लगाते हुए चांद जो रास्ते पे चलता है ना उसको चांद का ऑर्बिट बोलते हैं. ओके, सो हाउ डज दिस ऑर्बिट लुक? Something like this. Now you have to draw this diagram in your notebook. But let me explain this diagram first. ठीक है, आप notebook में बाद में बना लेना इसको. पहले मैं इसको समझा देता हूँ. Okay. Now as you can see, the moon moves in this blue line. इस blue line में moon move करता है earth के around. Right. Now you can notice that it is not a full circle. ये पूरा circle नहीं है. Right. थोड़ा पिचका हुआ है ना. ओके, सो इट इज़ बेसिकली अ शेप ऑफ एन एग. ओके, ये मून का जो ऑर्बिट होता है वो पूरा गोल नहीं होता है बल्कि अंडे के शेप का होता है. ओके, जिसको हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं. ओके, द मून ऑर्बिट इज ऑफ इलिप्टिकल शेप. इलिप्टिकल मीन्स एग शेप, अंडे के शेप का होता है. ऑलराइट, ऑल्सो यू विल नोटिस हियर दैट द अर्थ इज नॉट एट द सेंटर ऑफ दिस ऑर्बिट. ये मून का जो ऑर्बिट है उसके एकदम सेंटर पे अर्थ नहीं है. ओके, अगर हम सेंटर को ढूंढने के सेंटर कुछ यहाँ पे रहेगा तो अर्थ को इधर पे होना चाहिए था, बट अर्थ इधर पे नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है एक तरफ. ऑलराइट, सो ऑन दिस साइड अर्थ इज मोर क्लोजर टू द मून.
ओके एंड ऑन दिस साइड द अर्थ इज फार फ्रॉम द मून. ठीक है, एक साइड पे अर्थ मून के क्लोज रहता है और दूसरे साइड पे अर्थ मून से थोड़ा फार रहता है. ओके, दिस साइड इज कॉल्ड एज पेरिजी. ओके, पेरिजी इज द पोजिशन ऑफ द मून वेन इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली बिगर. पेरिजी वो जगह है जहाँ पे मून अर्थ के सबसे करीब रहता है. ओके, और वो थोड़ा बड़ा दिखता है. ओके, एंड इफ यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून एट पेरिजी, पेरिजी पे आप अगर डिस्टेंस मेजर करोगे इट विल कम आउट एज दिस. सो इट विल बी 3,62,570 किलोमीटर्स. ओके, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड व्हेन द मून इज एट पेरिजी. पेरिजी मीन्स द क्लोजेस्ट पोजिशन, द नियरेस्ट पोजिशन टू अर्थ. ओके, ऑन द अदर हैंड यू हैव एपोजी. सो एपोजी इज द पोजिशन ऑफ द मून व्हेन इट इज फार्देस्ट अवे फ्रॉम द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली स्मॉलर. फार्देस्ट अवे मीन्स इट इज ऑन द मोस्ट फार साइड. ओके, सो अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर डिस्टेंस में जब मून रहेगा उस जगह को हम एपोजी बोलते हैं. ओके, और उस जगह से मून थोड़ा छोटा दिखेगा. एंड सिमिलरली इफ यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून व्हेन इट इज़ एट एपोजी, एपोजी प्लेस पे जब होता है तो अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो इतना आएगा. इट विल बी 4,05,410 किलोमीटर्स. Now you can pause the video and draw this in your notebook. Moving on, here is an exercise for you. So there are two moons given, okay, and you have to identify which of the following is a apogee and perigee moon. इसमें से कौन सा moon apogee पे है और कौन सा moon perigee पे है, ये आपको बताना है. So your answer would be like this. Okay, the bigger moon is the perigee moon. Okay, perigee means it the moon is closer to the earth. Moon earth से नज़दीक है. नज़दीक अगर कुछ चीज़ है तो वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, right? So a perigee moon will be 14% bigger and 30% brighter. ठीक है, वो normal moon से 14% bigger होता है और 30% ब्राइटर होता है. ब्राइटर मीन्स मोर शाइनिंग. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ मून इज कॉल्ड एज सुपर मून. इसी मून को हम सुपर मून बोलते हैं. ऑलराइट, एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव माइक्रो मून. माइक्रो मून मीन्स व्हेन द मून इज एट एपोजी. एपोजी मीन्स एट द फार डिस्टेंस. सो नेक्स्ट वील वॉच ए क्विक वीडियो एंड देन विल कम बैक टू समराइज वॉट वी लर्न फ्रॉम द वीडियो. ठीक है, हम एक वीडियो देखेंगे छोटा सा, उसके बाद वापस आके हमने उस वीडियो से क्या सीखा उसको हम समराइज करेंगे. ठीक है, इट्स द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट नोटिसेबल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, बट इफ यू स्पेंड मच टाइम ऑब्जर्विंग इट यू विल सी दैट द मून इज नेवर क्वाइट द सेम फ्रॉम वन नाइट टू द नेक्स्ट. द मून हैज समथिंग वी कॉल फेजेस, which means that it appears to change shape a little bit every night. To understand why this happens, we need to talk a little bit about the way the Earth and the Moon move together in space. The Moon orbits around the Earth, much like the Earth orbits around the Sun. However, while the Earth takes about 365 days to travel once around the Sun, 1 year, the Moon completes its orbit around the Earth in only 29.5 days, or about 1 month. Despite how bright it looks in the sky, the Moon does not have any light of its own. It only appears to shine brightly in the sky because light from the Sun hits it and bounces off. Just like the Earth, the Moon has a day side and a night side, with half of it in sunlight and half of it in darkness at any one time. As the Moon travels through its orbit around the Earth, that dividing line between day and night, called the terminator, is visible from different angles, giving the impression that different amounts of the Moon are lit up on different days. The cycle of lunar phases begins with the new Moon,
At new moon, the moon appears completely dark because the unlit side is facing the Earth. New moon is the only time in the lunar cycle when a solar eclipse could happen, because it is the only time that the moon is between the sun and the Earth. After a few days, once the moon has moved along a little in its orbit, we can begin to see some of the moon's day side from Earth. What we see is just a thin slice of light called a crescent. We call it a waxing crescent because waxing means growing. The crescent moon will grow a little bit thicker every night until it reaches the next phase, first quarter. The first quarter moon is sometimes called the half moon because it appears to us that half of the moon is illuminated. But it is called first quarter because the moon is one quarter of the way through its cycle. As the days pass, the moon continues to grow, soon entering its next phase, the waxing gibbous. Gibbous means humped or swollen, and again, we call it waxing because it grows thicker every night until it reaches the next phase, the full moon. A full moon is the biggest, brightest, and easiest phase of the moon to see. The moon rises at sunset and is up all night, so if you are outside and the sky is clear, it's hard to miss. The moon is halfway through its orbit around the Earth, and is now on the opposite side of the Earth from the Sun. During a full moon is the only time that a lunar eclipse can happen, because that is the only time that the Earth's shadow could fall on the moon. As the moon continues in its path, it appears to shrink again as we begin to see more and more of its dark side. A few days after the full moon, the moon will be a gibbous again, but this time it's a waning gibbous. Waning means shrinking or getting smaller, and so the moon will be waning for the rest of its orbit. The next phase is another half moon, but this time it's called third quarter, or sometimes last or final quarter, because the moon is three quarters of the way through its orbit. Soon, the half moon shrinks into a waning crescent, which will continue to shrink night after night, until it vanishes completely into the next new moon. Big and bright and beautiful. Different every night, but repeating the same cycle over and over. The moon is one of the best objects in the sky to observe, especially for someone just getting started. The next time you look up and see the moon in the sky, take a moment and see if you can identify which phase of the moon you're seeing, and try to figure out which one will come next. Okay, coming back, what we just saw in the video was the different phases of moon, right? How the moon looks as it is changing its shape, right? So here is a diagram you'll have to draw in your notebook, which is the phases of the moon. So here, let me explain this first. So the moon's in the inside circle, plus the Earth and the sun over here, now the sunlight are, right? Okay, so this is a depiction from the space. Space mein सन अर्थ और मून इस तरह से अरेंज रहते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी सनलाइट इज फॉलिंग फ्रॉम दिस साइड, सो दिस साइड ऑफ द मून इज डे एंड दिस साइड ऑफ द मून इज नाइट. सिमिलरली दिस साइड ऑफ द मून इज नाइट, दिस साइड ऑफ द मून इज डे. ओके, एंड व्हाट यू हैव ऑन द आउटसाइड, दीज फिगर्स आर हाउ द मून लुक्स फ्रॉम अर्थ. सो ये जो डायग्राम से बाहर आपके ड्रॉ किए हुए हैं, ये सब रिप्रेजेंट करता है कि मून अर्थ से कैसा दिख रहा है. ओके, सो द फेज ऑफ द मून स्टार्ट्स विद द न्यू मून. न्यू मून से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, देन इट स्लोली ग्रोज
like this until it becomes a full moon. Okay, then it starts to become smaller, and then it becomes smaller and smaller until it becomes a new moon again. Okay, you can pause this video and take time to note the diagram. As you can see, along the way the moon also has different names. So we have new moon, waxing moon, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and again new moon. So we're going to summarize what you saw in the video about each of these phases, starting with new moon. So the moon appears completely dark. Okay, moon bilkul kala dikhta hai ya fir dikhta hi nahi raat ko. Okay, why is this? This is because the night side of the moon is facing the earth. Moon ka jo night wala side hai wo earth ki taraf face kar raha hai directly. Okay, so if you go back to the diagram from earlier, jo piche wala diagram humne abhi draw kiya tha. So during a new moon, the moon is just between the earth and the sun. ठीक है, मून अर्थ और सन के एकदम बीचों बीच रहता है. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर सोलर एक्लिप्स ऑकर. ओके, सो सोलर एक्लिप्सिस, सूर्य ग्रहण जो बोलते हैं हिंदी में. ओके, सो सोलर एक्लिप्सिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग न्यू मून एज मून मे कम बिटवीन अर्थ एंड सन. ओके, इट इज जस्ट लाइक यस्टरडे. यस्टरडे वॉज अ सोलर एक्लिप्स, राइट? सो कल सूर्य ग्रहण हुआ था. ओके, सो यस्टरडेज मून वॉज अ न्यू मून. Okay, let's come to the next kind of moon. So now the moon is starting to grow bigger. ठीक है, पहले बिल्कुल नहीं दिख रहा था, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. So this kind of moon is called waxing crescent. ठीक है, the moon appears like a thin slice of light called crescent. ये जो shape होता है ना, ये shape, इसको हम crescent बोलते हैं. Okay, and it is called waxing crescent because waxing means increasing. Waxing मतलब increase हो रहा है. From a new moon, which is basically full black, it is starting to grow. It is starting to increase in size. Okay, therefore it is called waxing crescent. Right? Then we come to the first quarter. Here, the moon appears exactly half. Moon bilkul aadha dikhta hai humko Earth se. Okay? It is called first quarter because it has completed 1/4 of its revolution. So if you draw the diagrams of moon's orbit, taking the earth here and the moon here, so the orbit will look something like this, right? So when the moon completes 1/4 of the revolution, that means jo full journey hai uska 1/4 usne complete kiya. 1/4 ko hi hum quarter bolte hain in English. Theek hai, so that's why this kind of moon, when it reaches at this position, okay, it is called as first quarter. All right, now moving on from the first quarter, it becomes more bigger. First quarter se jab aage jayenge, matlab half se bhi jab thoda bada hone lagega, then it is called as a waxing gibbous. Okay, the moon appears more than half, aadhe se zyada bada dikhta hai ye. Okay, and gibbous means humped or swollen. Okay, gibbous means fullna. And waxing means increasing. Okay, that's why this moon is called as a waxing gibbous. So the waxing gibbous moon turns into a full moon. Okay, a full moon means basically the moon appears full. वो पूरा earth से दिखता है, पूरा वो गोल दिखता है. Okay, so if you take the orbit of the moon, so if you have earth here, moon here, and this is the orbit. Okay, so at this point the moon has completed हाफ इज जर्नी, आधा रास्ता उसने कंप्लीट कर लिया है. ओके, आधा सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया है. सो ही हैज कंप्लीटेड हाफ द रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. एंड द लास्ट पॉइंट इज लूनर एक्लिप्सिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग फुल मून. ठीक है, चंद्रग्रहण जो होता है ना वो बस फुल मून में ही होता है. ओके, वाई इज दैट? बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट अर्थ मे कम बिटवीन सन एंड मून. ओके, इफ यू गो बैक टू द डायग्राम which you draw in a notebook, so you can see that the moon is on this side and the sun is on this side, right? So this is the only time the earth can come in between the moon and the sun. So isi time pe hi humko chandragrahan dekhne ko milta hai. All right, now once the full moon is complete, what happens is the moon starts to
कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है, फिर से वापस छोटा होने लगता है. वी हैव द वैनिंग गिबस नाउ. ओके, द मून अपीयर्स टू बी मोर देन हाफ बट विल श्रिंक. ठीक है, मून आधे से ज़्यादा ही दिखता है, लेकिन नेक्स्ट डे वो इससे और कम दिखेगा. नेक्स्ट डे उससे और कम दिखेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ वैनिंग गिबस. गिबस मीन्स अगेन हम्प और स्वोलन, ठीक है, फुला हुआ. ओके, एंड वैनिंग मीन्स डिक्रीजिंग. वैनिंग का मतलब ही है डिक्रीज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट द वैनिंग गिबस कन्वर्ट्स इनटू अ थर्ड क्वार्टर. हियर द मून इज अगेन एग्जैक्टली हाफ. मून एकदम हाफ दिखता है अर्थ से, एंड इट इज कॉल्ड अ थर्ड क्वार्टर बिकॉज थर्ड क्वार्टर मीन्स इट हैज कम्प्लीटेड 3/4 ऑफ इट्स रेवोल्यूशन. जो उसका फुल जर्नी है, ओके, उसका 3/4 उसने कम्प्लीट कर दिया है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ थर्ड क्वार्टर. ओके, एंड फाइनली इट कम्स बैक टू अ वैनिंग क्रिसेंट. ठीक है, फिर से एकदम क्रिसेंट शेप का बन जाता है. ओके, बट दिस टाइम इट इज़ डिक्रीजिंग इन साइज. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वैनिंग. ओके, वैनिंग मतलब decreasing and it looks like a crescent shape. So summarizing what we learned today, अभी जितने भी phases moon के देखे उसको अगर हम summarize करते हैं, you will have something like this, right? We start from a new moon ending in waning crescent. Okay, now what we studied was the moon shapes in the northern hemisphere. So when you look up at the sky and you see a moon and you have to say what kind of moon it is, so you can easily identify what kind of moon it is. Okay, is it a waxing moon or waning moon? How can you identify? So when you are in a northern hemisphere, like you are in India, which is a northern hemisphere, if your bright side is on the right hand side, okay, aapko jo bright side hai agar right hand side pe hai, then it is a waxing moon. Waxing matlab wo chote se bada ho raha hai. Okay, and if your bright side of the moon is on the left hand side, okay, that means the moon is decreasing in size. Okay, so whenever you see the moon, if you notice the bright side is on right hand side, that means the moon will increase the next day. Moon thoda thoda badh ke full moon banega. Okay, and if you see that the moon is bright on the left hand side, okay, that means the moon will become smaller and smaller and smaller until it becomes totally black and new moon occurs. With this, I'll give you an activity for today. So what you have to do is you have to observe tonight's night sky. Okay, aaj raat ke sky ko aap dekho and take a photo of tonight's moon and note the type of phase. Aaj ka jo moon hai uska ek photo lo aur उसको बताओ कि वो कौन सा फेज है मून का. ऑलराइट, दिस इज योर एक्टिविटी फॉर टुडे एंड यू विल फाइंड टुडेज एक्सरसाइज इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. वीडियो डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के, यू विल ऑल्सो फाइंड द नोट्स एंड आंसर की टू देम. क्विकली रिकॉल व्हाट वी लर्न टुडे. सो टुडे वी लर्न अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द मून. मून के ऑर्बिट के बारे में जाना. वी लर्न अबाउट एपोजी एंड पेरिजी. Right, then we learned about the 8 phases of the moon. Moon के जो 8 different phases होते हैं वो क्या है और कैसा दिखते हैं उसको हमने आज सीखा. Okay, with this we have completed today's lesson. In the next class we'll be learning about eclipses, solar eclipses and lunar eclipses. Okay, thank you.